ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? यह सवाल है, ये आप लोगों से सवाल पूछ रहे हो, ठीक है? तो सवाल को सवाल के हिसाब से ही पूछना है। और ये क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे टाइम में लोगों के अंदर का देशभक्त जागता है ना? तो आपका कैरेक्टर ये कह रहा है कि देशभक्ति सिर्फ कुछ दिनों के लिए क्यों होती है, ये उसका मीनिंग है। तो चेहरे पे एक्सप्रेशन भी वैसे होने चाहिए। आपको ये पसंद नहीं है, इसीलिए आप सवाल पूछ रहे हो। तो किसी बात को लेके हम अंदर से इरिटेट होते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में कभी? किसी बात से हम अपने अंदर ही हमको गुस्सा आता है, यार ये ऐसा नहीं चाहिए, यार ये गलत हो रहा है। वो तुम्हारा कैरेक्टर है, पहले लाइन का मीनिंग वो है। स्टॉप, ये देशभक्ति के बाद मैं पॉज ले रहा हूँ। सुना तुमने, गाड़ी शुरू हो गई और गाड़ी रुकी नहीं रही है, ऐसा चलेगा क्या? ये देशभक्ति, रुका हूं मैं, पॉज लिया है, कुछ पल के लिए, या कुछ दिनों के लिए, क्यों होती है? अब सब एक साथ बोलो, भाग रहा है तू भाग रहा है। ये देशभक्ति, देश बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना देश, ये भी क्लियर हो, ये देशभक्ति कुछ पल के लिए, या कुछ दिनों के लिए, क्यों होती है? कुछ पल मीन्स क्या? एकदम छोटा सा पल। कुछ दिन मीन्स क्या? दो चार दिन, एक दिन, है ना? क्यों होती है, ये सवाल तुम पूछ रहे हो। तो शब्दों को हमें ऐसा बोलना होगा कि उसका मीनिंग ऑडियंस तक पहुंचे। ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है, इसमें मीनिंग है कुछ? तो डायलॉग डिलीवरी करते वक्त हमें उसको ऐसे बोलना है जिससे डायलॉग का मीनिंग भी पहुंचे और सामने वाले को वो इंटेंसिटी भी क्लियर हो। क्यों होती है, समझे? टोन, क्यों करता है तू यार, देखो क्यों करता है तू ऐसा यार, क्यों किया तूने, समझे? टोन, क्यों किया तूने, आया क्या? तो वो आपको उस टोन का भी ध्यान रखना है, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन का भी ध्यान रखना है और एक्सप्रेशन का भी ध्यान रखना है। जब आप मिरर में देख रहे हो खुद को, तब खड़े भी प्रॉपर रहना है। यू आर लीडर, है ना? आप एक क्वेश्चन रेज कर रहे हो तो चेहरे पे आपके चेहरे, ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ समय के लिए क्यों होती है? अरे भाई खाना खा के आ, जा कुछ करके आ, जोश जुनून, रेडी? ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है, है ना? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? सोना मींस ऐसे साइलेंट, या सोना, मैं सोने जा रहा हूं, जागो प्यारे। जागना एक्शन क्या है? वेकअप, वेकअप। जागना इस एक्शन में ही है कि तुम एक्टिवेट हो रहे हो, और सोना इस एक्शन में है तुम सो रहे हो। इसीलिए कैसे बोल रहे हम लोग उसको, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है, क्यों नहीं हमारा खून खौलता जब एक पति अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता है, जब एक अमीर एक गरीब पर जुल्म ढाता है, जब जवान बच्चे अपने बूढ़े मां बाप पर जुल्म ढाते हैं, क्यों नहीं खून खौलता हमारा उस समय जब सरेआम हमारी मां बहनों पर बुरी नजर डाली जाती है, क्यों नहीं जागता तब हमारे अंदर का भगत सिंह? अरे कुछ मोमबत्तियां जला देने से या व्हाट्सएप प्रोफाइल ब्लैंक कर देने से कोई क्रांतिकारी नहीं बन जाता, एक समय हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला,
वक्त वैसा का वैसा ही है। हम आज भी गुलाम है, सड़ी गली मानसिकता के गुलाम। क्यों नहीं तुम्हारा खून खोलता जब तुम्हारी माँ बहनों पर बुरी नजर डाली जाती है, तो चेहरे पे भाव क्यों नहीं है? सोचो ना, वॉट एग्जैक्टली यू आर डूइंग एज एन एक्टर। यू हैव टू डिलीवर मीनिंग, टेक्स्ट का मीनिंग डिलीवर करना है, सब टेक्स्ट डिलीवर करना है, और सिर्फ बोल के नहीं। बहुत सारे लोगों के चेहरे ऐसे न्यूट्रल, क्यों नहीं तुम्हारा खून खोलता जब तुम्हारी माँ बहनों पर कोई बुरी नजर डालता है। कमाल है यार, फिर काय के एक्टर हो तुम? इमोशन, वो फील लेके आओ, दैट्स व्हाट मोनोलॉग इज नो। महज एक स्क्रिप्ट बोलना थोड़ी काम है अपना। क्यों नहीं हमारा खून खोलता उस समय जब हमारी माँ बहनों पर बुरी नजर डाली जाती है। तब कहां जाता है हमारे अंदर का भगत सिंह? किसी और की बहन है, उसको कोई छेड़ रहा है, तो हम ऐसे खड़े रहते हैं ना, मेरा क्या वास्ता है इससे, मेरा क्या लेना देना है। लेकिन वही हमारे साथ होता है, तो जब कहीं अन्याय हो रहा है तब क्यों नहीं हम भगत सिंह की तरह आगे आते हैं? वो मीनिंग है। कुछ मोमबत्तियां जला देने से, या व्हाट्सएप प्रोफाइल ब्लैंक कर देने से कोई क्रांतिकारी नहीं बन जाता। एक समय पर हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। अब यहाँ दुख है ना, अब वॉइस मॉड्यूलेशन भी, एक समय हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। दुख है, वो दुख है, गुलामी दुख है, गुलामी खुशी नहीं है। एक समय हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला। वक्त वैसा का वैसा ही है ना, वैसा का वैसा है। पे एंगर लेके आए हम लोग, रेडी। एक समय हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज भी कुछ नहीं बदला। वक्त वैसा का वैसा ही है, हम आज भी गुलाम है, सड़ी गली मानसिकता के गुलाम। देखो कितना चबा के बोरा में, सड़ी गली मानसिकता के गुलाम। एक्शन। ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? प्लेन हुआ ना, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? ये देशभक्ति देख तू क्या कर, ये देशभक्ति उठा, पहले से ही उठा स्पीच को, डल मत छो। ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? अरे क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? हाँ, अरे नहीं चाहिए उसमें। फिर से। ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? पॉज, आगे। क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा सवाल पूछने के बाद कुछ सेकंड रुकना है ना। yes, सवाल पूछा है ना। फिर से। ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? जागता है, तू सुला रहा है उसको। क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? देशभक्त जागता है। क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? वेरी गुड, फिर से दो लाइन बोल, वन और टू। ये देशभक्ति ये और देशभक्ति मैं अलग से बोल रहा हूं, तू क्या कर। ये देशभक्ति मैं बोल रहा हूं, ये देशभक्ति, ये के बाद भी छोटा सा पॉज है। ये देशभक्ति तू, ये देशभक्ति समझे? ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? नहीं, जागता है गड़बड़ हुई, फिर से जागता। क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? हमारा देशभक्त मतलब टॉन्ट मार रहा है ना, हमारा देशभक्त जागता है। क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? अरे क्यों नहीं हमारा खून खौलता जब एक पति अपनी पत्नी पर जुल्म उठाता है? अरे मत ऐड किया कर। क्यों नहीं हमारा खून खौलता जब एक पति अपने पत्नी पर जुल्म करता है?
अभी 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 क्या हुआ, अभी वो AK-47 लगा ली हमने और फिर दागना शुरू, 1 2 3 फिर ऊपर ही जाना चाहिए ग्राफ। हाँ चलो, क्यों हमारा खून नहीं खोलता? खून क्यों हमारा खून नहीं खोलता? पति पति वाले से ले, पति वाले से। जब एक पति अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता है, अरे क्यों हमारा खून नहीं खोलता? जब एक अमीर एक गरीब पर जुल्म ढाता है, वो एक ही इसमें जाना चाहिए, तीनों लाइन सटासट AK-47 की तरह जानी चाहिए। पति से ले, जब एक पति अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता है, जब एक गरीब एक तो आजा आजा, अभी तो हमने प्रैक्टिस की ना, जैसे मैंने बोला है वैसे ही करो। तुम्हारा दिमाग चलता तो मैं बोल के नहीं दिखा था ना। हाँ रेडी मूड, ये देशभक्ति एक्शन। ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? हाथ फ्री छोड़। क्यों हमारे अंदर का देशभक्त किसी खास मौके पर जागता है? स्पीड क्यों है इतनी? स्पीड कम कर, बाकी सही है, स्पीड कम कर और आवाज और लाउड चाहिए। ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों किसी खास मौके? पॉज कहाँ है? सवाल पूछने के बाद पॉज कहाँ है? ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों किसी खास मौके पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? हमारा खून तब क्यों नहीं खोलता? जब एक अमीर एक गरीब पर जुल्म उठाता है, जब एक पति अपनी पत्नी पर जुल्म उठाता है, जब एक नौजवान बच्चा अपने बूढ़े माँ बाप पर जुल्म उठाता है, अरे तब क्यों नहीं तुम्हारा खून खोलता? जब सरेआम हमारी माँ बहनों को बुरी नजरों से देखा जाता है, तब कहा जाता है तुम्हारा लड़का भगत सिंह? अरे कुछ मोमबत्तियां जला देने से या वो व्हाट्सएप पे प्रोफाइल लगा देने से कोई क्रांतिकारी नहीं बन जाता? एक समय था जब हम अंग्रेजों के। क्या कर रहा है तू? एक एक ही थॉट, एक ही मूड को लेके पूरी स्क्रिप्ट बोल रहा है। एक समय था, आप मूड चेंज हुआ ना पूरा, और स्पीड बहुत ज्यादा है। चलो सनी तुम आओ, स्पीड कम कर, नेचुरल है डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है लेकिन स्पीड कम कर। बंद करोगा? नहीं चल रहा देना। ये देशभक्ति क्यों कुछ पलों या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? इतना साइलेंट शुरू करोगे तो कैसे चलेगा? स्टार्टिंग से उठाओ, स्टार्टिंग से उठाओ। ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? कितना टाइम है अपने पास? सिर्फ 2 मिनट है कास्टिंग डायरेक्टर को इम्प्रेस करने के लिए। आराम से, ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का भगत सिंह जागता है? तो इतना आराम से बोलेंगे तो वो बोलेगा तू भी सो मैं भी सोता हूँ, उसको जगाना है ना अपने को। चलो, ये देशभक्ति क्यों कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? उस वक्त हमारा खून क्यों नहीं खोलता? जब एक पति अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता है, जब एक अमीर एक गरीब को दबाता है, जब एक नौजवान अपने बूढ़ी माँ बाप को घर से निकाल देता है, उस वक्त हमारा खून क्यों नहीं खोलता? जब हमारे माँ बाप पर जुल्म किया जाता है, जब हमारी माँ बहनों को सरेआम भली नजरों से देखा जाता है, उस वक्त कहा जाता है हमारे अंदर भगत सिंह? एक समय था जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, आज भी कुछ नहीं बदला, वक्त वैसे का वैसा ही है, आज भी हमें गुलाम है, एक सड़ी गली मानसिकता ही गुलाम। ठीक है, मूड चेंज नहीं हो रहा है, एनर्जी सही है, मूड चेंज होना चाहिए ना। स्टार्ट टू एंड इमोशनल है, एंगर है, सवाल है, पहले से बेटर है लेकिन और अच्छा हो सकता है। चलो गायत्री। ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों हमारे अंदर का सिर्फ लाइन मत बोलना, समझ के लाइन बोलना। ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? क्यों नहीं हमारा खून खोलता जब हमारे माँ बहनों को सरेआम बुरी नजर से देखा जाता है, जब हमारे माँ जब एक जवान बच्चे बूढ़े माँ बाप पर जुल्म ढाते हैं, जब एक अमीर एक गरीब पर जुल्म ढाता है, क्यों नहीं हमारा खून खोलता? लाइन बोल रही है सिर्फ, मीनिंग उसका कन्वे नहीं हो रहा है। पहले 2 लाइन बोल अच्छे से। ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है?
ये देशभक्ति, ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? एक्सप्रेशन भी बदलना, चेहरे पे सवाल होना चाहिए, क्यों होती है? क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? ये देखो फर्क देखो क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? हाँ, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? फर्क है क्या? नहीं, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? तो वही तो वॉइस मॉड्यूलेशन है ना, और क्या है? प्लेन थोड़ी बोलना है। क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? ठीक है, चलो आओ, प्रैक्टिस की जरूरत है। ये देशभक्ति क्यों कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? प्लेन है, आवाज बढ़ो ना। ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? फिर से वही लाइन बोल। ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? पलों के वो लाइन वैसे बोलना। ये देशभक्ति, देशभक्ति बड़ी है क्या नहीं है? देश बड़ा है क्या नहीं है? अब ये सुनो, ये देशभक्ति आ जाएगा क्या? देश, तो इसीलिए ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ये पूछ रहा है, तो एक्सप्रेशन में भी पूछो। बोलो। ये देशभक्ति क्यों कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? देख, स्पीच भी प्रॉपर नहीं है, वो लाइन करेक्ट बोलना है। क्यों बाद में ना, ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? क्यों होती है, सवाल कहाँ पूछ रहे हो? क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? जागता है को ऊपर ले थोड़ा। क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? देशभक्त जागता है। देश तो सही है ना, जागा कौन? इसीलिए भक्त को अलग से हमने एक किया। हाँ, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? हमारा देशभक्त जागता है। क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? पहले दो लाइन बोल फिर से, 1 और 2। ये देशभक्ति क्यों कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? स्पीच करेक्ट कर, आ जाओ। एक पहली लाइन में तू क्यों बार बार बोल रहा है? ये देशभक्ति क्यों कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? फिर से वही कर रहे हो, प्लेन कर रहे हो। ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? वो नीचे आ रहा हूँ मैं, समझा? जैसे हम गार्डन में किसी इस पे बैठते हैं ना, हाँ, स्लोप पे, तो ये देशभक्ति क्यों कुछ पलों के लिए या कुछ क्यों होती है? ये देशभक्ति क्यों कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? क्यों दो दो बार नहीं बोलना है।
बोलो मेरे पीछे, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए, कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है, या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है। हाँ बोलो, ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है। समझे, कुछ पलों कुछ दिनों का आ रहा है कि मीनिंग नहीं आ रहा है ना। पल एक पल में थम सा, पल 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 हर पल, पल 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 हर पल, ऐसा बोला है क्या? तो पल को पल की तरह ही बोलो ना, मोमेंट है ना। फूल फूल सुनो, फूल और पत्थर फर्क है क्या? नहीं, फ्लावर को फ्लावर की तरह ही बोलना पड़ेगा, पत्थर को फूल की तरह बोल के थोड़ी चलेगा। ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? या तुम्हें है? माझा माँ के बोला, सेल्फ स्टार्ट बनो, ऐसे करके कैसे चलेगा? चलो, ये देशभक्ति, हाँ सही है सही है, ये ला साइलेंट ढेवा देशभक्ति ला उसला, ये देशभक्ति बोला, ये दे, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति। बॉल टप्पा खाके कैसा गिरता है कौन दिखाएगा, है ना? टक, ये देशभक्ति, देशभक्ति समझे, देशभक्ति टप, देशभक्ति। अब दोनों, ये देशभक्ति ऐसा, ये देशभक्ति कुछ पलों के, देखो ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है। वॉइस मॉड्यूलेशन में वही तो खेल है ना, और क्या है? बोला, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए, कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है। वेरी गुड, क्यों कुछ खास मौकों पर ही, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का भगत सिंह जागता है, हमारा देशभक्त जागता है। फांसी की तैयारी करो, फांसी की सजा देनी होगी। अच्छा बोल रहे हो, बोलो बोलो, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति कुछ कुछ पलों के लिए, ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है, या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है। क्यों कुछ खास समय, क्यों कुछ खास मौकों पर ही, क्यों कुछ खास मौकों पर ही, क्यों 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 नहीं, क्यों क्यों कुछ खास मौकों पर ही, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है, हमारा देशभक्त जागता है। इतना ही बोलो, दो लाइन फिर से। ये देशभक्त, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है, ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए कुछ दिनों के लिए क्यों होती है। क्यों कुछ खास मौकों पर ही, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर हमारा देशभक्त जागता है, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिख लो, याद कर लो, आज तुम आओ कृष्णा, चलो मेरे पीछे बोलना है। ये देशभक्ति, ये देशभक्ति, देश नहीं देश, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए, कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है, या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है। क्यों कुछ खास मौकों पर ही, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है, हमारा देशभक्त जागता है। ये देशभक्ति कुछ पल या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है। फिर से इतना ही, थोड़ा आवाज लाउड। ये देशभक्ति कुछ पल या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है। कंटिन्यू। ये देशभक्ति कुछ पल या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है। क्यों हमारा खून नहीं खोलता उस समय जब एक पति अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता है।
क्यों नहीं हमारा खून खोलता जब एक पति अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता है? क्यों नहीं हमारा खून खोलता जब बूढ़े माँ बाप पर बच्चे अत्याचार करते हैं? क्यों नहीं हमारा खून खोलता जब हमारी माँ बहनों पर बुरी नजर डाली जाती है? क्यों? क्योंकि हमारा खून जम चुका है, हमारे दिमाग में कीड़े लगे हुए, हम अंदर से खोखले हो गए, हम सड़ चुके हैं। आज भी कुछ नहीं बदला, हम तब भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है, सड़ी गली मानसिकता के गुलाम। कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहा हूं मैं, स्क्रिप्ट जाने दो। तो वो खेल खेलना पड़ेगा ना, वो खेल नहीं खेलेंगे तो फिर काय का एक्टर तुम। चलो तुम आओ बेटा ना, उसके बाद तू आ। हाँ तू भी आ इसके बाद। चलो पहली दो लाइन ही बोलो अच्छे से, हाथ फ्री छोड़, पहले तो कैरेक्टर में खड़े रहना सीखो ना। ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? फिर से, चेहरे पे कोई भाव नहीं है, चेहरे पे भी भाव रखना, पूछना उनको। ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? देखो हम सोच के बोल रहे हैं ना, तुम स्पीच दे रहे थे, क्या हुआ? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? तो नॉर्मल, अब ये भाषण की तरह हमने प्रिपेयर किया है कि तुम भाषण दे रहे हो बाकायदा, लेकिन नॉर्मल बात करोगे तब नॉर्मल बात करोगे। देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? मीन्स बात करना नॉर्मल है, अगर तुम बात कर रहे हो ऑडिशन में तो ऑडिशन देखने वाले को मजा आएगा क्या? क्योंकि 2 ही मिनट है ना अपने पास। लेकिन इसको भाषण की तरह प्रेजेंट करोगे तो उसका इम्प्रेशन ज्यादा जाएगा। चलो बोलो एक बार और। ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ। अब देशभक्ति तूने फेंक के मारी, पत्थर मारा तूने। ये देशभक्ति, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति, देश प्यारा है ना, ये देशभक्ति और देश बड़ा भी है, इसीलिए ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? ये देशभक्ति, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? देखो ये भी जा सकता है, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? तो वो तुम्हें खेलना है, यही तो खेलना है। चलो आओ तुम आओ। देशभक्ति, ये देख, ये देशभक्ति आराम से रहना, खड़े रहिए। ये देशभक्ति, देश आवाज खुला, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति कुछ बराबर है, ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? हाँ, ये देशभक्ति, बोल, ये देशभक्ति, देश नहीं देश, देश, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति, ये देश, ये नहीं, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए, या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों होती है? फिर से बोल, ये देशभक्ति, फिर वही, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति, ये देश, 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 ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों जागता है? क्यों होती है? नेक्स्ट लाइन, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर के, हमारे अंदर की देशभक्ति जागती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही पे पॉज आएगा, कहाँ पे आएगा? क्यों कुछ खास, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? 1 2 दोनों एक साथ, ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? ठीक है, चलो किरण।
रेडी। ये देशभक्ति कुछ पलों या कुछ दिनों के लिए क्यों जाती है? क्यों होती है? ये देशभक्ति कुछ पलों या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? कुछ क्यों होती है? सुनना, होमवर्क किया है ना? अब तुमने नेक खिलाई ना सब लोगों ने? हाँ, तो टाइम लिया ना। मैंने क्या बोला? होमवर्क किया। तो पहली लाइन ही सवाल है ना तुम्हारी, तो तुम वो सवाल पूछने के बाद एक्सपेक्ट करोगे ना जवाब। जवाब नहीं आया इसीलिए अगली लाइन बोलोगे। चलो बोलो। ये देशभक्ति कुछ पलों या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों ऐसे कुछ होती है के बाद थोड़ा पॉज चाहिए, वही बता रहा हूँ। आ गया थोड़ा किरण? आ गया। और आ गया? बोल। ये देशभक्ति कुछ पलों या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? टॉन्ट मार रहे भाई, आजकल तो बहुत फॉर्म में है। सही है, देशभक्त जागता है। अरे बेटा चलो, कौन रह गया? विनय आजा, विनय आजा, विनय करके दिखा सबको, अभी किसी को आ नहीं रहा है। हाँ चलो। ये देशभक्ति अभी सेट हो रहा है, सेट हो रहा है। हाँ, ये देशभक्ति क्यों कुछ खास पलों के लिए या फिर से ये देशभक्ति क्यों कुछ खास पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर हमारा देशभक्त जागता है? फिर से। ये देशभक्ति, देशभक्ति का आवाज थोड़ा कम कर। ये देशभक्ति, मेरे पीछे बोलिए, देशभक्ति, ये देशभक्ति, नहीं मैं कैसे बोल रहा हूँ देख, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए, या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? हमारा देशभक्त जागता है। फिर से बोला भाई, 1 2। ये देशभक्ति क्यों कुछ खास, ये देशभक्ति क्यों कुछ खास पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए होती है? क्यों कुछ खास, क्यों कुछ खास मौकों पर हमारा देशभक्त जागता है? ठीक है जाओ। हाँ तू रह गया ना, चलो करो। ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? फिर से उतना ही, 2 लाइन। ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? स्पीड थोड़ी कम कर, दूसरी पलों और दिनों पे। हाँ, ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर हमारा देशभक्त जागता है? क्यों खुन्ने खोलता रहा खोलता हमारा उस वक्त? बहुत स्पीड तो गिरा देता है स्पीच बोल के, फिर एक समय के बाद गिरा देता है। ये देशभक्ति कुछ पलों या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? कुछ पलों या कुछ दिनों के लिए। ये देशभक्ति बोल, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ पल के लिए, ये देशभक्ति, ये देशभक्ति कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारा देशभक्त जागता है? हमारा देशभक्त जागता। वेरिएशन क्यों नहीं आ पाते? क्या तुमने नोटिस किया कि क्यों गड़बड़ होती है ये? हाँ, एक तो है पॉज नहीं लेते, बराबर है। मतलब पॉज मीन्स ये देशभक्ति क्यों कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? तो हम बात किए जा रहे हैं, रुके नहीं रहे, वो एक गड़बड़ है। और क्या नोटिस किया तुमने? इनको बोलने दो, रुको। स्क्रिप्ट याद ना होना है ना, स्क्रिप्ट याद ना होना, और कंट्रोल नहीं है। मतलब क्या?
फास्ट हो जाता है, रिदम में नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की, फ्लो फ्लो नहीं नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम समझते ही नहीं है, हम बात को ही नहीं समझते। हम तुरंत के तुरंत हम कब एक्टिंग करेंगे उसके भूखे हैं। सही बोल रहा हूँ कि कब आऊँ और कब प्रेजेंट करूँ, है ना। कैमरे से हम ज़्यादा प्यार करते हैं और हमको लगता है कि तुरंत के तुरंत मैं आके वो प्रेजेंट करूँ। हम उसमें जो खेल खेलना है ना, वो खेल खेलने के लिए टाइम नहीं दे रहे। मैंने बार बार बताया तुम लोगों को, एक एक्सरसाइज बताता हूँ मैं तुम्हें, आँखें बंद करने की और फिर स्क्रिप्ट बोलने की। घर पे वो करना, कोई एक एक्टर आओ जिसको लगता है कि मेरी स्क्रिप्ट प्रिपेयर है, ये देशभक्ति वाली, ठीक है तू आ, तू ज़रा स्पीड में बात करता है, आ जा खड़े हो जा आगे। अब देखो तुझे क्या करना है घर पे, तुम लोगों को क्या करना है, आँखें बंद करनी है, कॉलर सीधी करनी है, घर पे कैसी भी रहे ठीक है। अभी आँखें बंद कर, हाथ फ्री छोड़, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, पैर में का डिस्टेंस कम कर। जब मैं बोलूँगा ना तब लाइन को समझ के बात कर, स्क्रिप्ट प्रॉपर एक्टिंग के साथ बोल। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि तेरी आंखें बंद होगी, एक्सप्रेशन आने दे, सब आने दे, लेकिन सुन के बात कर। मीन्स हम जब बात कर रहे हैं तो हम खुद को सुन भी रहे हैं ना, तो एक्टर खुद को सुनता नहीं है, इसीलिए उसको समझ में नहीं आता है कि उसकी स्पीच किस दिशा में जा रही है। अगर हम अपने आप को अच्छे से सुनेंगे तभी तो गलतियां पकड़ेंगे ना हम लोग। अब तुम आंखें बंद मत करो, सिर्फ इसको बंद कर रहे हो तो तुम देखो, इसको देखो, स्क्रिप्ट समझिए तूने अच्छे से, वो पता है, स्पीड ज़्यादा मत बढ़ा और मीनिंग के साथ बोल। मीनिंग डिलीवर करना है, सिर्फ लाइनें नहीं बोलनी है। रेडी एक्शन। देशभक्ति कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के, आराम से जैसे अपन सेट किया ना वैसे बोल अभी। ये देशभक्ति कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्यों होती है, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? खुद को सुन के बोल। क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? क्यों तुम्हारा खून तब नहीं खौलता जब एक अमीर एक काम पर जुर्म करता है, जब एक पति अपनी पत्नी पर जुर्म करता है, जब एक जवान नौजवान बच्चा अपने बूढ़े माँ बाप पर जुर्म करता है, तब क्यों ये तुम्हारा खून खौलता? जब सरेआम हमारी माँ बहनों को बुरी नजरों से देखा जाता है तब कहा जाता है तुम्हारे अंदर का भगत सिंह? अरे कुछ मोमबत्तियां जला देने से या कोई क्रांतिकारी नहीं बन जाता? एक समय था जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन आज भी कुछ समय बदला नहीं है, वक्त वैसे का वैसा ही है, हम आज भी गुलाम हैं। ओके, अब आंखें खोल। देखो कुछ फर्क आया, मीन्स कम से कम वो सुन रहा था अपने आप को। जब एक्टिंग करता है तब तो सुनता ही नहीं है खुद को, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं था, है ना। मुझे पता कितना लगा था, स्पीड बोला था उसने, अब स्पीड, हाँ सिर्फ स्पीड कम हुई, लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन जो किया था वो सारा भूल गया, समझे। चलो तुम आओ, सेम एक्सरसाइज। तो ये घर पे 10 बार अगर करेगा तो सुनने की आदत लग जाएगी, खुद को सुनने की। और इंसान खुद बात करते हुए खुद को सुनता भी है, तभी तो कंट्रोल आता है ना। चलो आंखें बंद, जस्ट रिलैक्स, जब रेडी हो जाओ शुरू करो। ये देशभक्ति क्यों कुछ पलों के लिए या कुछ दिनों के लिए ही होती है? क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? उस वक्त कहा जाती है हमारे अंदर की देशभक्ति जब एक गरीब एक अमीर को, फिर से ये देशभक्ति क्यों कुछ पलों के, सोचो आंखें बंद करने के बाद भी तुम कॉन्शियस हो, कंट्रोल में नहीं हो, तो तुम आंखें खोलने के बाद एक पीसफुल माइंड ही बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, समझे। एक्टिंग ये दिमाग से की जाती है, अगर हम मेंटली पीसफुल नहीं हैं तो क्या एक्टिंग हो पाएगी? कॉन्सेंट्रेट करना, पहले बात को बोलना ही तो है, और क्या करना है।
ये देशभक्ति क्यों कुछ पलों या कुछ दिनों के लिए होती है, क्यों कुछ खास मौकों पर ही हमारे अंदर का देशभक्त जागता है? उस वक्त हमारा खून क्यों नहीं खोलता जब एक पति अपनी पत्नी को जुर्म खाता है, जब एक अमीर गरीब को दबाता है, जब एक नौजवान अपने बूढ़ी माँ बाप को घर से निकाल देता है? उस वक्त हमारा खून क्यों नहीं खोलता जब हमारी माँ बहनों को सरेआम गंभीर नजरों से देखा जाता है? उस वक्त कहा जाता है हमारे अंदर का भगत सिंह सिर्फ कुछ मोमबत्ती जला देने से या व्हाट्सएप प्रोफाइल लगा देने से हम क्रांतिकारी नहीं बन जाते? एक वक्त था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज भी वक्त वैसे का वैसा ही है, आज भी कुछ नहीं बदला, आज भी हम गुलाम है, एक सड़ी गली मानसिकता के गुलाम, एक सड़ी गली सोच के गुलाम। ठीक है बैठो, गलत जगह पर पॉज नहीं लेना है, गलत जगह पर बात को अगर हम गलत जगह पर तोड़ेंगे तो मीनिंग बदलेगा। तो ये एक्सरसाइज करो आज घर पे जाके, सकाराम बाइंडर के लिए भी, उसके बाद तुगलक के लिए भी, और ये जो जो स्क्रिप्ट तुम प्रिपेयर कर रहे हो, मीनिंग डिलीवर करना है। क्या डिलीवर करना है? बातें तो कोई भी करेगा ना, जो बात तुम बोल रहे हो उसका मीनिंग बातों से डिलीवर होना चाहिए, वही तो डायलॉग डिलीवरी है। ऐसे तो बोल तो बच्चा भी स्कूल का भाषण दे देगा। अब नरेंद्र मोदी का भाषण सुनो, राज ठाकरे का भाषण सुनो, वो मीनिंग डिलीवर करते हैं। या महाराष्ट्रात मराठी माणसाला काम धंदे नाही देणार, अरे मग तुम्ही कसे काम धंदे करणार इकडे? हा, महाराष्ट्रात येऊन धंदे करताय काय? आणि मराठी माणसांना तुम्ही कामावर ठेवत नाही, तोडा, जिथे सापडेल तिथे तोडा। हा राज ठाकरे तुमच्या सोबत आहे, तो बसती है ना तालिया, तो वो बातों को बनाता है, वो कला है ना वो, तुम एक्टर हो, तुम्हारा क्या काम धंधा है? मित्रों, आज हमारे देश में बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है दुनिया के नक्शे में। मित्रों, आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है दुनिया के नक्शे में, जहां वहां भारत का, हिंदुस्तान का ही नाम है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम ऐसे आगे जाओ। चलेगा क्या? या महाराष्ट्रात तुम्ही मराठी माणसांना जर काम देणार नसाल तर तुम्हाला असं चालणार नाही, तुम्हाला आम्ही तोडू फोडू ऐसा चालणार नाही। क्या ताकत क्या आहे? स्पीच की ताकत है ना, तो एक्टर की ताकत क्या है? 70 मिनट, 70 मिनट है तुम्हारे पास, आज तुम अच्छा खेलो या बुरा मैं तुम्हें नहीं बताऊं, बस जी भर के खेल लो। बस साला, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। क्या ये डायलॉग है ना? ए सिमरन, ए किरण, डायलॉग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्टर की सबसे बड़ी पावर है डायलॉग डिलीवरी। तुम्हारी स्टाइल बनेगी ना, तुम्हारे स्टाइल बनाएगा। जेठालाल का एक अंदाज है क्या नहीं है? राजानी, उसका एक अंदाज था। हर एक्टर का एक अंदाज है, तुम देखो तो तुम्हारा अंदाज क्या है। मैं ये नहीं बोलता कि खींच तान के बोलो, मीन्स तुम किसी एक्टर की मिमिक्री करो, कॉपी करो, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन बातों का मीनिंग डिलीवर होना चाहिए ना। ऐड सुनो, ऐड ऐड 30 सेकंड की ऐड होती है, उसमें बताई जाने वाली बातें देखो, मीनिंग डिलीवर होता है। कोई भी ऐड लगा के देखो तुम, ठंडा मतलब कोका कोला, तो लाइन क्या है? ठंडा मतलब कोको कोला, तो जब भी प्यास लगी यार कुछ ठंडा है क्या, कोको कोला। तो एक लाइन को इतना जबरदस्त तरीके से बोला जाता है कि दिमाग में वो रजिस्टर हो जाती है, वॉइस एक्टिंग कहते हैं इसको। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीच और एक्सपेरिमेंट करो ना, जैसे
तुम सोचते मैं घर से निकला यार क्या पहनूं आज, कबर्ड में कुछ था नहीं ये पहन लिया, इस पे ये पैंट अच्छी लगेगी, हाँ ठीक है चलो मुझे क्या करना है, कहाँ स्टाइल मारने जाना है, जो अवेलेबल है पहन लो, कोई प्रेस नहीं है कपड़े। लेकिन कई फंक्शन में जाना है तो ये शर्ट पहनूंगा, ये ब्लेज़र पहनूंगा, ये पैंट, ये टाई, ये शूज़, ये साड़ी, ये तुम्हारा पंजाबी सूट, सोचते हैं ना। तो वैसे जब तुम लाइन बोलते हो तो उसको सजाते क्यों नहीं हो? सजाएगा कौन उसको? तुम ही तो सजाओगे ना। राइटर ने तो लिख दी ये देशभक्ति कुछ पल के लिए या कुछ दिनों के लिए ही क्यों होती है, ये लिख दिया। लेकिन बोलने का तरीका कौन डिसाइड करेगा? बोलने का तरीका हम डिसाइड करेंगे ना एक्टर। अगर हम बात करने का तरीका हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो हम काहे के एक्टर है फिर? आम जिंदगी में जब हम बात करते हैं वो और एक एक्टर को कैरेक्टर कर रहा है, तब बात करना जमीन आसमान का अंतर है। अब तुगलक में वो सुल्तान है, शहनशाह है वो, उसका बात करने का अंदाज कैसा होगा? क्यों नहीं सोचते तुम लोग? सखाराम बाइंडर एक बिंदास आदमी है, उसका कहना है कि कोई रैपर नहीं चाहिए मुझे, कोई मास्क नहीं चाहिए, मैं ऐसा ही हूँ, लोग छुप छुपा के चीज़ें करते हैं, मैं खुलेआम करता हूँ, ये मेंटेलिटी उसकी। भाई शादीशुदा औरत की तरह रहना पड़ेगा बस, सब सही लग रहा है तो डालो पोटली नीचे, जाओ अंदर चाय बनाओ। वो एक कैरेक्टर है, वो रॉ है, वो बिंदास है। विजय तेंदुलकर ने लिखा हुआ नाटक है, तो जो प्लेराइट से बहुत सोच समझ के देश दुनिया को आईना दिखाने का काम करते हो, वो कैरेक्टर करते हो, तुम नाटक नहीं समझोगे, तुम चीज़ों को नहीं समझोगे, कहानी के पीछे की कहानी को नहीं समझोगे, तो तुम्हारे बोलने में कहाँ से आएगा वो सच्चाई? आ ही नहीं पाएगी ना तुम्हारे बोलने में। एक्टिंग कोई 2 महीने 4 महीने के कोर्स वाली बात नहीं है, तुम 2 महीने 4 महीने में टेक्निक सीखोगे। क्या सीखोगे? लेकिन टेक्निक सही तरीके से सीखो, उसके बाद तो ज़िंदगी भर काम करना पड़ता है। सीखी हुई जो टेक्निक है, अब तुम हॉल में बैठे हो, तुम्हारे अंदर और बाहर जो बच्चे हैं उनमें अंतर क्या है कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई ये रास्ता मैं चल रहा हूँ, यहाँ पे ठेस लगने वाली है, यहाँ पे ठेस लगने वाली है, यहाँ पे ठेस लग, उनको पता ही नहीं है। साल 2 साल घूमते रहता है, डायरेक्ट ऑडिशन देते देते 2-5 लाख रुपए बर्बाद कर देता है और उसके बाद घर पे जाता है, और घर पे जाने के बाद सोचता है कि मैंने गलती कहाँ की। तुम पहले सीख रहे हो, तुम अपनी गलतियों को समझ रहे हो, उन गलतियों को समझने के बाद बाहर निकलोगे, और बाहर निकलने के बाद तुम्हें पता है कि यहाँ ठेस लग सकती है, तो तुम उसका काम पहले ही करके रखोगे। तेरी स्पीड कम होगी, तुम्हारे बोलने में वेरिएशन आएंगे, सब चीज़ें ठीक होगी ना, तो बाहर जाके गलतियाँ तुम्हारी कम होगी। तो साइंटिस्ट हो तुम लेबोरेटरी में हो, एक साइंटिस्ट हो, और तुम कुछ ढूंढ रहे हो, तो उतना डेप्थ में घुसोगे तो कुछ हाथ में लगेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं। एक्सप्रेशन क्यों नहीं आते? स्पीच सही तरीके से बोला क्यों नहीं जाता? क्योंकि हमने समझा ही नहीं उसको। हम जो बोलने जा रहे हैं ना, उस बात को हमने समझा ही नहीं। रियल लाइफ में जब हम कुछ बोलते हैं किसी से भी, तो कितना रियल लगता है वो। यार तेरे साथ क्या हुआ था वहाँ पे, तू गया था मुंबई में, बता। दोस्त सुन रहा है और तुम बोल रहे हो, अंदर से बातें नहीं कर रही है ना, अंदर से बातें नहीं कर रही है वो, सामने वाला घंटों घंटे बैठ के सुन रहा है। क्यों? क्योंकि उसको तुमने समझा है, उसको तुमने जिया है ना। अब ये जो स्क्रिप्ट तुम्हारे सामने आई है, इसको ना तुमने समझा, ना तुमने जिया, ना तुमने खुद को उस जगह पर रखा, और अब सामने आके बोलने की कोशिश कर रहे हो, कहाँ से होने वाला है? और ये कोई पैसा तो है नहीं कि तुम्हें, मतलब फॉर एग्जाम्पल डांस सर ने एक सेट करके दे दिया, एक डांस तुमने सेट कर लिया, तो सर ने एक एक स्टेप आपको सिखा दी, तो एक लड़का है वो सिर्फ वही डांस हर जगह करेगा, और दूसरा लड़का है वो समझेगा कि सर स्टेप कैसे बनाते हैं, क्या फंडा है, कैसे स्टेप बनाते हैं, कैसी चीज़ें करते हैं, और वो सोचेगा कि यार मैं रिदम ताल बीट सबको समझ के मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ, नई नई स्टेप बनाने की कोशिश करता हूँ, ये सही है या ये सही है? दूसरा ना फिर तो अपने को हम एक आर्टिस्ट है, और ज़िंदगी भर अपना आर्ट अपने साथ हमेशा
कोई लाठी लेके थोड़ी चलना है, हमेशा टीचर साथ थोड़ी रहेगा। अपने को टेक्निक समझनी, अपने को सीक्रेट लेने हैं, उन सीक्रेट को लेके फिर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तब हम कुछ बन पाएंगे। नहीं तो ये क्लास होके दूसरा क्लास, दूसरा होके तीसरा, तीसरा होके चौथा, जिंदगी भर क्लासेस में ही मरते रहोगे। फॉर्मूला लो, चीज़ों को एकदम दिमाग में फिट बिठाओ और उनको कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो। अभी मैं कल सर को ऑब्जर्व कर रहा था, ऑनलाइन क्लास कृष्णा सर भी लेते, लता मैम भी लेते अपने बच्चों के लिए, ऑनलाइन बच्चों के लिए। लता मैम जैसे यहाँ पे सीरियस है ना आपके सामने क्लास लेते वक्त, वैसे ऑनलाइन बच्चों के लिए भी है। वो एक घंटा भी वो पूरा 100% देते हैं। कृष्णा सर जैसे आपको यहाँ सिखाते हैं एनर्जी के साथ, वैसे ही ऑनलाइन भी सिखाते वक्त उनका पूरा सेटअप है घर पे, प्रॉपर तैयारी के साथ। मैं उनको देख रहा था, बच्चों को एक एक स्टेप सिखाई उन्होंने, सिखाई ही नहीं उसके बाद वीडियो बना के भी भेजा, मुझे भेजा कि सर ये अपने स्टेप का वीडियो है बच्चों को भेज दो। क्या ये उसका साइन है ना। मैं चाहता हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी मेरे स्टूडेंट को सिखाए, मेरे स्टूडेंट के लिए और बेहतर क्या हो सकता है ट्रेनिंग में, हर चीज़ में। ये साइन है हम अपने काम को कितना तय तक कर रहे हैं, कितना सीरियसली कर रहे हैं। तो आप तो एक्टर हो, और आप अगर अपने काम को सीरियसली नहीं करोगे, आप चीज़ों को अगर कैजुअली करोगे तो कोर्स ख़त्म हो जाएगा और तुम क्वेश्चन मार्क लेके घूमते रहो। बताना चाहिए तुमने, सर इस स्क्रिप्ट को ना ऐसे भी बोला जा सकता है, लेट्स सी। कल अभी सकाराम बाइंडर की स्क्रिप्ट प्रिपेयर करके आओ और इसको भी पूरा पॉलिश करो। मैं आज चाहता था कि स्टार्ट टू एंड पूरा देख लूँ सबका, दो लोगों का ही देख के मुझे खड़ा होना पड़ा आके कि चलो ऐसे ऐसे करो करके। क्यों नहीं दो दो तीन तीन घंटे तुम वेस्ट करते हो उस पर, इन्वेस्ट करते कि नहीं यार ये इस तरीके से नहीं हो रहा है। प्रिपेयर किया, उसके बाद दोस्त को दिया, यार मेरा शूट कर देख कैसे बोल रहा हूँ। खुद देखा, कुछ चेंजेस किए, नहीं यार इसमें ये चेंजेस है। फिर प्रैक्टिस की, फिर चाय वाय पी लिया, फिर शूट किया। ये इस प्रोसेस से क्यों नहीं जाते हो तुम लोग? कल मुझे और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, प्रॉमिस। यस सर। चलो थैंक यू।